दस साल की बच्ची से दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के आरोपी शाहिद उस्मानी को जघन्य कृत्य के लिए दोषी पाए जाने पर बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने छप्पन हजार रूपए ऐसी दंडित भी किया है थाना शुहागर क्षेत्र में दस साल की बच्ची से दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के आरोपी शाहिद उस्मानी को जघन्य कृत्य के लिए दोषी पाए जाने आरोप बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है वादिया ने थाने आरोप तहरीर देकर आरोप लगाया की तेरह मार्च दो की सुबह बच्ची शौच के लिए गयी थी इसके बाद बदहावास हालत में घर लौटकर पहुंची कपड़े फटे हुए थे मुंह और सिर में गंभीर चोट के निशान थे पूछने पर बच्ची ने मां को बताया था कि एक व्यक्ति मुंह दबाकर उसे ले गया और उसके साथ गलत काम किया वादिया की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर बयान कराए गए थे मुकदमे के विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बचाने का भरसक प्रयास करते हुए उसे पागल करार दिया गया लेकिन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कराई गई जांच में वह स्वस्थ पाया गया मुकदमे के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी माधव शर्मा के तर्क पर आरोपी शाहिद उस्मानी निवासी दोषी पाए जाने पर उसे 20 साल कठोर का कारावास और छप्पन हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट